तो देखा दोस्तों, लास्ट में हम लोग एम इंडिकेटर अपडेट देखा था। जो एम इंडिकेटर अपडेट है उसमें हमने देखा था कि हम कार के डिटेल्स कैसे चेक कर सकते हैं। जो सरकार की नहीं, लोकल ट्रेन की डिटेल्स, अगर हम कोई स्टेशन्स पे हैं तो उसका लाइव लोकेशन कैसे देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अगर टैक्सी या ऑटो या फेरी कि इमरजेंसी देखना चाहते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि रेंट कितना है, किराया कितना है, कहाँ से कहाँ तक कितना लग सकता है, कितने किलोमीटर का, और मिनिमम भाड़ा कितना है। तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, यहाँ पे मोनो है, मेट्रो है, टैक्सी, ऑटो एंड फेरी। तो लोकल का तो ठीक है, सबको पता है कि 5-10 रुपये होते हैं, ऑलमोस्ट बस के भी सेम है, बट टैक्सीस के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। देखिए, 1.5 जो अभी 22 हो गया है, प्रीवियसली जो ये था वो 17 रुपीज़ था, तो अभी जो है थोड़ा वो बढ़ गया है 18 रुपीज़ से, है ना। तो यहाँ पे आप बुक टैक्सी भी कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, और नाइट के फेयर थोड़े से अलग होते हैं। तो देखिए, नाइट के फेयर भी इसमें आ रहे हैं, तो जितना किलोमीटर आप जाएंगे तो वह किलोमीटर आपसे आप देख सकते हैं कितने चार्जेस हो रहे हैं, है ना, डे और नाइट में। कुछ ऑलमोस्ट 6 रुपीज़ का डिफरेंस होता है, तो 6 रुपीज़ 7 रुपीज़ का डिफरेंस है नाइट और डे में, मिल लिया, और ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ऑटो की, तो ऑटो 18 हो गया, प्रीवियसली इट वॉज 17, तो उसका भी रेंट बढ़ गया, नाइट में 23 है, तो ऑलमोस्ट 5-6 रुपीज़ का डिफरेंस होता है नाइट में। तो ये हम ऐसे फेयर्स दे सकते हैं। प्लेटफॉर्म फेरी है, फेरी में देखिए घुराई जेटी है, जुराई खाड़ी है, घुराई से एसलवर्ल्ड जाने के लिए क्या है, मारवे है, मनोरी है। तो देखिए, जर्नी कितना, 5 मिनट्स है, यहाँ पे 5 से 15 मिनट्स है। बाइक कैरी कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी हैं यहाँ पर। अगर हम गेटवे से एलिफेंटा जाना चाहते हैं तो जर्नी है फेरी 70 to 150 है, बाइक कैरी कर सकते हैं नहीं, क्योंकि वो लंबा रास्ता है, 1 घंटे का कम से कम, है ना। 365 डेज अवेलेबल होता है। बाकी गेटवे टू मांडवा जेटी है जो 1 घंटा 30 मिनट लगता है, जिसका फेयर ऑलमोस्ट 150 वो है। वहाँ पे साइकिल ले सकते हैं, मानसून में क्लोज रहता है बिकॉज थोड़ा सा लॉन्ग रूट है। बाउचर दक्का है, रिवर्स जाना, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर फेरी में जाना चाहते हैं तो चार्जेस कितने हैं, एटलीस्ट आपको आइडियाज़ लग जाएंगे। आपको मोनो है, मोनो अगर सन गार्ड के महाराज चौक जाना है या फिर चैम्बर के साइड में जाना है, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेन्स कितने कितने टाइम पर हैं। अगर आपका नेट चालू है तो आपको वो लाइव लोकेशन भी बताएगा, तो लाइव लोकेशन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि यार ये मेरी ट्रेन्स कहाँ पर हैं, है ना। ये अंधेरी है, अंधेरी से ये ट्रेन्स हैं, तो अभी ये आज़ाद नगर, फिर ये अंधेरी, उसके बाद ये हम चेक कर सकते हैं ऐसे हम कहाँ पर हैं और कहाँ पे जाना है हमें, तो इजीली ऐसे हैं। तो टैक्सी फेयर और ऑटो फेयर और फेरारी सॉरी फेरी, मेट्रो, मोनो, बस एंड लोकल ट्रेन के लिए ये हम इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। नियर बाय प्लेसेस ऑलरेडी मैंने कल भी बताया था लास्ट वीडियो में, और ये भी देख सकते हैं। तो मैं गुलाब आपको थैंक यू कहता हूँ वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले यूनिटेक गुरु जी को। और मैं इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट लेके आते रहता हूँ हमेशा। एम इंडिकेटर लेके आया, इसका और एक पार्ट लेके आऊँगा, इसमें और क्या चीज़ें कर सकते हैं, जॉब्स कैसे मिल सकती हैं गवर्नमेंट की स्पेशली, तो वो भी जानकारी है वहाँ पर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें गुरु जी को। इसी के साथ थैंक यू एंड जय हिंद।